सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी ट्रिक। इस ट्रिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने बहुत ज्यादा गंदे कर्टन्स को वॉशिंग मशीन में मेटलिक रिंग के साथ में आसानी से धो सकते हैं, यानी आपकी मेटल रिंग्स जो है वो खराब नहीं होंगी एंड आपको हैंड वॉश भी नहीं करने पड़ेंगे। सिंपली आप आसानी से वॉशिंग मशीन में भी अपने कर्टन्स को धो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें पोस्ट करती हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक। सो डेफिनेटली आप जरूर मेरे साथ में कनेक्ट हुईए एंड देखिए कि मैं किस किस तरीके की एक्टिविटीज करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ एंड किस तरीके से मैं फूड ब्लॉग्स उसमें पोस्ट करती हूँ। सो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, डेफिनेटली ये है मेरा फेसबुक लिंक। सो मेरे साथ में फेसबुक पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि पूरा कर्टन देख सकते हैं, ये पूरा कर्टन है एंड अब इसको मैं साफ करने जा रही हूँ एंड ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। ये आप देखिए कि नीचे नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो कर्टन्स को आसानी से हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल्स होने की वजह से, इसकी मेटल रिंग होने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत करता है वॉश होने में। तो अब मैं आपको बहुत ही आसान एंड ईजी तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से हम मेटल रिंग के साथ में कर्टन को आसानी से धो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि ये जो हमारे कर्टन्स जिस तरीके से बने होते हैं, जैसे इस तरीके से फोल्ड होते हैं, हम इनको इस तरीके से ही फोल्ड कर लेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इनका तय लगाती चली जा रही हूँ। तो ये मैं इस तरीके से पूरे कर्टन्स को ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ये यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी रिंग है वो एकदम इकट्ठी हो गई है। अब इकट्ठे होने के बाद मैं कोई भी धागा लूँगी, जो मोटा धागा होगा मैं उसको लूँगी या हम नाड़ा बोलते हैं हम उसको लेंगे और इस तरीके से मैं कर्टन्स के जो रिंग है उनके बीच में इस तरीके से मैं इसको बांध दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक गांठ लगा दी। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे कर्टन्स की जो रिंग है वो फैल नहीं रही हैं, इधर उधर नहीं हो रहा है और मेरा कर्टन भी नीचे की तरफ से पूरा खुला हुआ है। सो अब इसको हम वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देंगे। इसी तरीके से जितने भी आपको कर्टन्स धोने हैं आप इस तरीके से कर्टन्स को धो सकते हैं। तो मैं बाकी और कर्टन्स को भी बांधूंगी। यहाँ पर मैंने दो कर्टन्स लिए हैं, मैं टोटल चार कर्टन्स को वॉश करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि इकट्ठा करके मैंने सारे कर्टन्स को इस तरीके से ऊपर से बांध दिया जिससे कि हमारे जो मेटल्स हैं वो इधर उधर ना हो। और ये मैंने ये चारों कर्टन्स को बांध दिया है अच्छी तरीके से और अब हम इसको वॉश करते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब मैं कर्टन्स को वॉशिंग मशीन में धोंगी। ये मेरी फ्रंट लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर मैंने इसको खोला इस तरीके से एंड अब मैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर कर्टन्स को डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने कर्टन्स को डाल दिया है। अब मैं इसका जो डोर है वो बंद कर देती हूँ और अब हम इसके पैनल में डिटर्जेंट डालेंगे। यहाँ पर मैंने इसका पैनल खोला और यहाँ पर मैं इस पैनल में अप्रोक्सीमेटली 3 बड़ी चम्मच डिटर्जेंट डाल दूंगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके पैनल में यहाँ पर डिटर्जेंट डाल दिया। इसको बंद कर देंगे पैनल को और अब हम वॉशिंग मशीन को इजी केयर मोड में चलाएंगे। इजी केयर मोड में यहाँ से मैंने पावर को ऑन किया इस तरीके से एंड यहाँ पर मैं इसको इजी केयर मोड में लेकर आ जाऊंगी। इजी केयर मोड में हमारे जो कपड़े हैं वो आसानी से और बहुत लाइट तरीके से धुलेंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। अब मैं पावर ऑन कर देती हूँ। जब हमारे सारे कर्टन्स अच्छी तरीके से धुल जाएंगे तब हम उसके बाद में कर्टन्स को सुखाने के लिए डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो कर्टन्स हैं वो धुल गए हैं। अब मैं इसको वॉशिंग मशीन में से निकाल रही हूँ एंड ये आप देख सकते हैं हमारे जो कर्टन्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं। बिल्कुल भी इसकी जो नॉट है वो खुली नहीं है एंड ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो कर्टन्स हैं वो वॉशिंग मशीन में बहुत आराम से और अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं। और जो इसकी जो रिंग्स हैं वो बिल्कुल खराब नहीं हुई है, कहीं से भी निकली नहीं है। बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीका है अपने कर्टन्स को आसानी से साफ करने का वॉशिंग मशीन के अंदर। सिर्फ आपको इन रिंग्स को इकट्ठा करना है, इस तरीके से आपको एक साथ लेना है और फिर उसके बाद में जितने भी आपको कर्टन्स धोने हैं उनको एक साथ में रिंग्स को बांध देना है। किसी भी नाड़े की हेल्प से या किसी भी कपड़े की हेल्प से आपको अच्छी तरीके से गांठ बांध देनी है। इस तरीके से आप गांठ बांधेंगे और सीधा आपको वॉशिंग मशीन में डाल देना है एंड ये आपके कर्टन्स जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकलेंगे और अब आप इन कर्टन्स को अच्छी तरीके से सुखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।